हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन में। बहुत समय के बाद हम फिर से आप सभी के सामने, इतने दिनों से कुछ शिफ्टिंग का काम चल रहा था, मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा था, इसलिए मैं इतना व्यस्त था। लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपको सप्ताह में 3 वीडियोज मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ, किस तरह से आज के समाज में चीज़ें हो रही हैं, कैसे आपको चीज़ें रहनी चाहिए, क्या हैकिंग होती है, क्या आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, कहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं, जनरल लाइफ से रिलेटेड, जनरल एजुकेशन से रिलेटेड। चलते हैं आज के एपिसोड में, हम बात करेंगे मैथ। जी हाँ, आप पीछे देख रहे होंगे, हमारे पीछे एक ग्लोब चल रहा है, दैट इज ग्लोब। ओके, ग्लोब क्या होता है कि एक हमारा जो रफ है, हमारा अर्थ है, उसका एक रफ डायग्राम समझिए, ठीक है, या रफ मॉडल है, ठीक है। और इस ग्लोब में बहुत सारे आपके लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि लैंड है, भूमि है, और जब और उसके साथ ही वाटर है। हम 3/4 जानते हैं कि हमारा जो अर्थ का है वो वाटर है, लेकिन जो 1/4 लैंड है, ठीक है, उस पर हम मनुष्य रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा चीज़ ये है कि हमें मैप, हमारा आज का टॉपिक है मैप, मैप की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। मैप की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैप से हम क्या करते हैं कि कहीं जाना होता है तो वह हमें इजी पड़ती है, या देखना होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा वेजिटेशन, कौन सा माउंटेन, या फिर कौन सा प्लेस कहाँ पे है, तो ये मैप की ज़रूरत पड़ती है। या फिर ऐसा भी होता है कि एक हम लोग घर में, अगर घर की कुछ चीज़ें बनानी है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक घर बनानी है, एक खेत में आपको घर बनानी है, तो उसमें मैप के जरिए आप सारा चीज़ दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, और एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, तो मैप की हर जगह ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है। फिजिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप के बाद पॉलिटिकल मैप होता है, और थीमेटिक मैप होता है। फिजिकल मैप क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। आपको स्क्रीन पे एक मैप आ रही है, दिस इज फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप में क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया, माउंटेन्स हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये होती हैं फिजिकल मैप में, ठीक है। इसके साथ ही अगला आता है पॉलिटिकल मैप, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पॉलिटिकल मैप क्या होता है कि जो चीज़, यानी कि विलेज हो गया, स्टेट हो गया, या फिर कंट्री हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी शहर की ये सारी बाउंड्री शहर दिखाया गया, तो वो आप या स्टेट बाउंड्री या फिर कंट्री बाउंड्री, तो ये सब पॉलिटिकल मैप में आते हैं। तीसरा थीमेटिक मैप, हम जिसकी थीमेटिक मैप की बात कर रहे हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए, थीमेटिक मैप क्या होता है कि एक थीम को दर्शाता है, थीम का मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रही हो, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रोड नेटवर्क किस तरह से जुड़ा हुआ, तो ये एक मैप में दिखाया जाएगा जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ की, तो ये एक थीमेटिक मैप में आ जाएगा, यानी कि किसी ना किसी थीम पे बेस्ड हो। या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम सिर्फ मैप में देखें तो वो एक थीम पे बेस्ड है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो दैट इज थीमेटिक मैप, ठीक है। तो आपने तीन प्रकार का मैप समझा कि पहला होता है फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। अब आगे चलते हैं, मैप के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि मैप में कौन कौन से कंपोनेंट मेनली यूज किया जाता है। देखिए, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट यूज इन द मैप, 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जिसको मैप में यूज किया जाता है। अब तीनों कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन, और तीसरा होता है सिंबल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ जनरली यूज किया जाता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अच्छा, आराम से समझना है, डिस्टेंस क्या होता है समझिए। डिस्टेंस यानी कि हम जो मैप बनाते हैं, वो मान लीजिए कि भारत का एक मैप बनाना है, तो भारत का मैप हम जो अपने कॉपी पर बना रहे हैं या फिर कहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैप पूरे भारत का, यानी कि भारत हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर है, जबकि हमने मैप में उसको लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर के पेज में, या फिर हो सकता है खूब से खूब 50 सेंटीमीटर के पेज में हम शो करा दिए, तो क्या वो 3200 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर में हम करा दें, तो हमें इसे हम कहीं देखेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। इसके लिए एक स्केल दिया जाता है, स्केल का मतलब ये कहा जाता है कि हम जो कॉपी पर 1 सेंटीमीटर है वो होगा 100 किलोमीटर के बराबर, इस तरह से चीज़, या 32 किलोमीटर के बराबर, इस तरह से स्केल बना दिया जाता है। तो ये स्केल से हम लोग पता करते हैं कि डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं कंपोनेंट की, जिसका नाम है डायरेक्शन। देखिए, मेनली डायरेक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, चार होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट। और इसके साथ ही बीच बीच में भी, जैसा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ
इस तरह से भी चार और डायरेक्शन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो होता है कंपोनेंट वो होता है सिंबल। अब सिंबल की ज़रूरत क्या है? देखिए सिंबल जो होता है वो बहुत प्रकार के, हम लोग सिंबल एक सांकेतिक चीज़ों के रूप में यूज करते हैं। जैसा कुआं दिखाने के लिए एक आप देख रहे हैं हमारे आपके स्क्रीन पर बहुत सारे सिंबल्स हम दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ बाउंड्री दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, कुछ कंपोनेंट जैसे कि रिवर हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, इसको दिखाने के लिए है, घर, कुआं, मस्क्यू, ठीक है, टेम्पल, ये सब दिखाने के लिए, और बाकी वगैरह इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ सिंबल्स जो होते हैं जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके कर लिए गए हैं कि हाँ ये सिंबल हर जगह मैप में यूज होगा इस चीज़ के लिए, तो उस प्रकार के हम लोग सिंबल्स को बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। ठीक है, तो कन्वेंशनल सिंबल्स वैसे हैं जो इंटरनेशनल सिंबल जो कि एग्रीमेंट के जरिए ये चीज़ है कि सभी जगहों पर सभी मैप पे अगर इस चीज़ का यूज करना हो, यानी कि रोडवे या हाईवे या इस चीज़ का, तो ये आपका सिंबल यूज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और दो चीज़ बचा हुआ, एक खुद बचा हुआ स्केच। अब स्केच क्या होता है? ये हमारे तीन कंपोनेंट हमने देख लिया, स्केल होता है, इसके बाद सॉरी डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड लास्ट वन इज दैट आपको सिंबल। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्केच के बारे में। स्केच क्या होता है? देखिए स्केच मान लीजिए कि आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि इस पॉइंट से, यानी कि आपके विद्यालय से आपका घर किधर पड़ता है, तो आप क्या बनाइएगा कि एक रफ डायग्राम बनाइएगा, रफ मैप बनाइएगा और उसको दिखाइएगा। उसमें आप स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि आपने डिस्टेंस को बताने के लिए स्केल का यूज़ नहीं किया और नहीं उसको मैप का बनाया। एक रफ है आपको एज ए मैप आपने बताया, रफ डायग्राम बना दिया मैप का, तो दिस इज नोन एज स्केच। जो रफ डायग्राम है जिसमें स्केल का यूज नहीं किया गया उसको हम लोग बोलते हैं स्केच। अच्छा, एक होता है प्लान। प्लान भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्लान और स्केच और मैप में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैप जो होता है उसमें बाय द वे मतलब पूरी तरह से स्केल यूज किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस का देखा जाता है कि एक सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर एट डिपेंड अपॉन द मैप। ठीक है, और स्केच में क्या है कि एक रफ डायग्राम जिसमें स्केच सॉरी आपको डिस्टेंस बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, उसमें स्केल बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। एंड लास्ट वन मैंने प्लान जो बोला वो क्या होता है उसको समझिए। देखिए प्लान यानी कि सिंपल से समझ में आया कि कोई प्लानिंग, इसी से रिलेट आपको करना है, यानी कि मान लीजिए कि आप अपना घर बनाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो घर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बड़े एरिया को छोटे में एक कॉपी पे दिखा दिया कि हाँ इस तरह से ये मेरा क्या है फील्ड है, ठीक है, खेत है, दैट इज प्लान। ठीक है, ये प्लान है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया आपको प्लान समझ में आया, तो होप मैप की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जानकारी है, हम इस वीडियो में कवर कर लिया। और भी इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।